कहते हैं कि फौजी फौजी को बनाता है और फर्जी फर्जी को बनाता है। अब गुरु हो तो विजय सर जैसे वरना ना हो। साइंस से कैसे आई? साइंस थोड़ी सी रफ्ती। किसको लगा साइंस से टप? किस किस को लगी साइंस से? सभी लगभग सभी को लगा हुआ है, पूरा घुमा के दिया था। जय हिंद दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे बैक साइड में मेरे कमांडोस यहाँ पर आ चुके हैं और ये फर्स्ट शिफ्ट में से बाहर हो चुके हैं यहाँ पर। और चलिए यहाँ जानेंगे कि आज किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक से आए थे यहाँ पर और कितने क्वेश्चन करके आए हैं ये लोग, जो दिन रात इन लोगों ने पढ़ाई करी है। तो वाकई में ये रिजल्ट कितने नंबर से करेक्ट करके आए हुए यहाँ पर, तो चलिए इनसे बारी बारी से पूछेंगे यहाँ पर। तो कितने क्वेश्चन किए बेटे? सर मैंने 45 क्वेश्चन किए। 45 में कितने करेक्ट जाएंगे? सर 35 करेक्ट है। 35 सही जाएंगे यहाँ पर। कितने? सर 38 किए यहाँ पर। 38 किए, 38 पूरा सही जाएंगे सर। और 10 तुक्के लगाए अलग से। 10 तुक्के लगाए यहाँ पर के 48 में से 10 तुक्के लगाए, 38 सही करेंगे। सही कितने जाने के चांस? 38 सर, 35 38 सही है, मतलब 35 और 36 से सही जाएंगे यहाँ पर। कितना किया बिहारी बबुआ? 35 सर। 35 किया, करेक्ट कितना जाएगा? 35 ही। 35 करेक्ट ही जाएगा, मतलब तुक्का एक मिनट लगाया। चलो गुड, शाबाश। क्या लेकिन करके आना चाहिए था, 50 करके आना था, एक दो तुक्का लगाना चाहिए था। कितना किया बेटे? सर 44 क्वेश्चन किए, जिसमें से 32 से 34 क्वेश्चन सही आए आराम से। 32 से 34 बिल्कुल करेक्ट जाएगा। कितना किया बेटे? 40 क्वेश्चन किया सर। 40 क्वेश्चन किया है, कितना करेक्ट जाएगा? 35 एक्यूरेट है सर। 35 एक्यूरेट है। कितना क्वेश्चन किया? 48 क्वेश्चन किए, जिसमें से 40 तो सही जाएंगे। 40 पक्का सही जाएंगे? सही जाएंगे। कुछ कितना क्वेश्चन किए बेटे? सर मैंने 41 क्वेश्चन किए सर। 41 कितना करेक्ट जाएंगे? सर मेरे 30 प्लस राइट है। कुछ याद है क्वेश्चन? यस सर। किस टाइप का क्वेश्चन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कुछ क्वेश्चन याद है? क्रिकेट में नाम लिए जाने वाला मतलब कौन सा विकेट होता है, LBW। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन याद है? यस सर, मैं से पूछा था सर, उन्होंने प्रतिशत पूछ लिया ज़्यादातर, वो प्रतिशत ज़्यादा पूछा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन याद? सर फ्रांस में मूर्ति का सर पूछा था, जिसे कि पाणिनी और आर्यभट्ट ऐसा कुछ था, उसे ऐसा कुछ था, मतलब पूरा अच्छे तरीके से याद नहीं है। बच्चे कौन सा क्वेश्चन आया था बेटे? सर एक बटा पाँच को प्रतिशत में बदलने के लिए बोला था। एक बटा पाँच को प्रतिशत में बदलने का कौन सा क्वेश्चन है? नौ का वर्गमूल पूछा था सर। नौ का वर्ग पूछा था, क्या लिखा? 81 लिखा और संख्या देती नौ का वर्गमूल। इसका ये किसका वर्गमूल है? हाँ हाँ 81 में बोला ना, 81। हाँ सर रीजनिंग में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में शांति की भाषा के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुल मिला के टोटल ये बताओ कि पेपर कैसा गया आज का? बहुत तगड़ा गया, मतलब टफ आया या नहीं आया? साइंस से कैसे आई? साइंस थोड़ी सी रफ्ती। किसको लगा साइंस से टफ? किस किस को लगी साइंस से? सभी लगभग सभी को लगा हुआ है, पूरा घुमा के दिया था। अच्छा चलो ठीक है, फौजी क्यों बनना है? सर मेरे दादाजी का सपना था कि मेरे 3 पोते हैं, उसमें से एक किसी को भी फौज में जाना है, उनका सपना पूरा करना है, इसलिए फौज में जाना है। यस सर। आपको फौज क्यों ज्वाइन करना है? फौजी बनने के बाद आप क्या करेंगे? फौजी बनने के साथ माता पिता को सर गौरव पदक दिला के सम्मानित करवाना और मतलब प्राउड फील करवाना, इसलिए गौरव पदक दिलाने के लिए आप फौजी बनना चाह रहे हैं कि माता पिता को एक जो गौरव पदक वाला सम्मान मिले वो अपने माता पिता को दिलवाना है। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया सोचा आपकी भी। क्या बेटा फौजी क्यों बनना है? सर मेरे गांव में बहुत फौजी वो आते हैं तो उसको सम्मान मिलता है, तो वो भी मैं भी चाहता हूँ जिस दिन मैं गाँव में जाऊँ तो उस दिन मुझे सम्मान मिले। कितने फौजी हैं आपके गाँव में? सर है तो बहुत सारा, लेकिन मतलब बहुत सारा है सर। आपका एड्रेस बताओगे कौन से गाँव में? सर मधुबनी जिला फॉर्म बिहार। बिहार से हैं, शाबाश बेटे। आपको क्यों फौजी बनना है? सर अभी तक तो जो लाइफ स्पेन की है 19 साल तक, फैमिली के लिए, खुद के लिए, पर आगे आप फौज में जाना है और फौज के लिए जीना है। आप फौज के लिए जीना है, चलो शाबाश। वर्दी इतनी प्यारी है? वर्दी इतनी प्यारी है सर। आपको क्यों फौज में जाना है? पापा और हम दो ही सर फौजी से इन्फेंट्री से निकल रहे थे, तब पापा ने फौजी को देखा और बोला कि बेटा तेरे को भी जाना फौज में ही है। उसी दिन से फौजी फौज की तैयारी करने लग गए सर। मतलब पिताजी ने फौजी को देखा और लगा कि फौजी बहुत तगड़ा लग रहा है, तो आपको बोला कि बेटे तेरे को भी ऐसे ही वर्दी में देखना है। यस सर। उस दिन से ठान लिया? यस सर। अभी क्या युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है? क्या चल रहा है अभी? युद्ध स्तर पर चल रही है सर। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। आपको क्यों फौज में जाना है? बॉडी सोडी बहुत तगड़ा दिख रहा है बेटे, तो क्या अभी सर ठान लिया है कि फौजी बनना है? सर बनना तो ही, और मेरे फैमिली, मेरे पापा मम्मी भाई बहन इनके लिए ही बनना है कि बाहर निकले तो सबको बता सके कि मेरा भाई फौज में, मेरा लड़का फौज में। बस सर इसी दिन पिताजी जहाँ भी जाएं गर्व से अगर कोई पूछे कि आपका बेटा क्या करता है तो उधर से जवाब आना चाहिए कि मेरा बेटा देश का जवान है। हाँ सर। चलो शाबाश, गुड बेटे। आपको क्यों फौजी बनना है? सर मुझे फौज में इसलिए जाना है क्योंकि मेरे माता और पिता का सपना है कि मुझे फौजी बनना है, वो इस साल मुझे 2024 में फौजी बनना ही बनना है। क्या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? उसके लिए मैं BDM में आया और मैंने तगड़ी तैयारी की और गुरुजी द्वारा जो तैयारी कराई गई उसको मैंने रूल जो थे उनको सब फॉलो किए और उनकी वजह से आज मैंने मतलब झंडा गाड़ा है एग्जाम में। गुड, शाबाश बेटा। आप लोग कुछ विजय सर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? आप लोगों ने जो मेहनत की आज रिजल्ट जो मिला है तो क्या कहना चाहेंगे? सर गुरुजी ने जो मेहनत करवाई है वो बहुत तगड़ी तरीके से मेहनत करवाई है, ऐसे गुरु मैंने अभी तक देखे नहीं और मैं देखूंगा नहीं मेरी लाइफ में, क्योंकि इतने मतलब गुरु हो तो विजय सर जैसे वरना ना हो। और कुछ कहीं कहना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा सर के लिए, मैसेज पहुंचाना चाहेगा कोई? कि
कहते हैं कि फौजी फौजी को बनाता है और फर्जी फर्जी को बनाता है। अरे ये क्या लाइन बोल दी यहाँ पर हमारे बच्चे ने, फौजी फौजी को बनाता है और फर्जी को ही बनाता है, शाबाश। तो ये किसके लिए था, ये समझ वाला समझ गया? चलिए ठीक है, अगर कोई समझ वाला समझ गए हैं तो फिर सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। और मुझे अच्छे से बात है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पर।